हाय फ्रेंड्स, सरकार ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ट्रेडर्स चैनल में मैं कौशिक सरकार आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने का कोशिश करूंगा कल के लिए दो बेहतरीन स्टॉक जहां पे आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इंटरडे का कॉल यानी कि 20 जुलाई इंटरडे कॉल शॉर्टली सिर्फ आज दो स्टॉक के ऊपर आपको वॉच कराऊंगा। और अगर बात करें जो वीकली कॉल, जैसे पिछले हफ्ते हम वीकली कॉल के ऊपर वीडियो बनाए थे और वही दोनों स्टॉक के ऊपर आप ध्यान रखिए, सन फार्मा और टाटा कंज्यूमर, इन दोनों स्टॉक के ऊपर क्लियर 5% रिटर्न बेस के हम वीडियो बनाए थे और वो वीडियो उनके लिए बनाए थे जिनको इंट्राडे काम करने का मौका नहीं है, टाइम नहीं है। तो उसी तरीका वीडियो हम और बनाएंगे। तो जिन लोग आज हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर हमारे चैनल का बातचीत आपको अच्छा लग रहा है, आपको टारगेट अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रेस नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नो, मैं कभी नहीं ये कहता हूँ। तो चलिए, बेल आइकन आप दबा के रखिएगा ताकि इस तरह का जो वीडियो, जैसे आज हमारा पोस्ट होने में लेट हो रहा है, वीडियो बनाने में लेट किया हूँ, तो इस तरह का वीडियो अगर पोस्ट हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्त, कल के लिए किस स्टॉक के ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, किस लेवल पे ध्यान दिलाना चाहूँ, और इसके साथ चार्ट में भी दिखाऊंगा कि किस जगह पे किस बेसिस पे आप बाय करेंगे। तो सबसे पहले पावर ग्रिड को आप बाइंग प्राइस में दे रहा हूँ 164। देखिए, ये अगर 164 से ऊपर 166 167 तक चलता रहता है तो इसको आप होल्डिंग बेस पे भी रख सकते हैं, तो इसका बाइंग प्राइस आपको क्या हो रहा है 164। टारगेट जो फर्स्ट टारगेट निकल के जा रहा है वो आपको 166 एंड सेकंड टारगेट 167, स्टॉप लॉस आपको रहेगा 162.50। ओके, सेकंड जो कॉल है आपका वो है इन्फ्राटेल को आपको 201 के ऊपर बाइंग करना चाहिए और इसको टारगेट जो आ रहा है 202.4। फर्स्टली टारगेट आप कहेंगे ये तो बहुत ही छोटा टारगेट है, दोस्त इसलिए मैं बहुत ही छोटा टारगेट दिया हूं कि 204.5 ये जो लेवल है इस लेवल को टच करके, देखो अभी क्लोजिंग है इसको 200 के पास, ये 201 के ऊपर बाइंग और 202.50 पैसे यहां तक जाके ये डाउन आ सकता है, नियर अबाउट 201 और 200 के आसपास तक का डाउन आएगा। आने के बाद फिर से ये चलना शुरू होगा, तो फिर से जब चलना शुरू होगा, आप अगर फर्स्ट टाइम पे बाइंग नहीं करते हैं तो जब दोबारा इसमें बाइंग शुरू होगा तब जाके इसके ऊपर बाइंग करेंगे तो सेकेंड टारगेट तक आप मिलने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमने दो स्टॉक का चर्चा कर रहे हैं और इसका स्टॉप लॉस जो होगा 199। तो देखो, स्टॉप लॉस आप ये मत सोचिएगा सुबह ही 2-3 मिनट में या 4-5 मिनट में ही ये टारगेट अचीव हो गया और यहां से फिर से 7 या 8 मिनट में ये डाउन आ गया और स्टॉप लॉस के पास आ गया है। ठीक है, स्टॉप लॉस पर पास आ सकता है, स्टॉप लॉस से नीचे जा सकता है, लेकिन फिर से क्लोजिंग स्टॉप लॉस को ऊपर दे सकता है। तो ये समझदारी होना चाहिए आपके अंदर और ये समझदारी तभी आएगा जब आप टेक्निकल चीज सीखेंगे। ओके, तो हमारा ये दोनों कॉल के ऊपर मैं आपको वॉच करा रहा हूँ। यूपीएल थर्ड एक स्टॉक दे रहा हूँ, यूपीएल अगर 444 के ऊपर जाके सस्टेन होता है तो यहां से आपको फिर से 1-2% का ये आप मूवमेंट दिखा सकता है। तो चलिए अभी हम देखेंगे टेक्निकल चार्ट और वहां से समझेंगे क्यों इस जगह पे हमें बाय करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये हमारे सामने पावर ग्रिड का चार्ट और पावर ग्रिड के चार्ट में आप देख पा रहे हैं पिछले दिन ये जो एक लेवल है इस लेवल को इसने तोड़ नहीं पाया था काफी कोशिश करने के बाद, और आज का जो हमारा बाइंग लेवल है इस बाइंग लेवल इससे ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसके ऊपर ये हमारा जो टारगेट है वो मोस्ट ऑफ चांसेस कि ये टारगेट दिखाए। अगर इसके नीचे आ जाता है तो इसमें डर बना हुआ रह सकता है, लेकिन इसके ऊपर जब तक है इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सेकेंडली स्टॉक जो है इन्फ्राटेल, और इन्फ्राटेल को हम देख रहे हैं जो सेम वही कंडीशन बन रहा है और इसमें भी इस रेंज के ऊपर पिछले दिन जा नहीं पाया और कल का दिन में ये जाने का उम्मीद है, और इसके ऊपर जाता है तो आपको इसमें ऊपर भी जो मैं टारगेट दिखाऊं वो टारगेट बड़ी आराम से दिखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बीच में जो वोलेटाइल बना रहता है, इस वोलेटाइल में आप लोग डर जाते हैं, पैनिक होकर निकल जाते हैं। ओके, डर जाते हैं, पैनिक होकर निकल जाते हैं, तब आपको लॉस हो जाता है। जो मैं प्राइस दिया हूं उस प्राइस के ऊपर, देखो इस अगर मैं 202 रुपया का बाइंग दिया हूं, तो 202 रुपया के ऊपर कम से कम 1-2 मिनट सस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, सस्टेंस होना चाहिए तब जाके यहां से हमारा टारगेट के लिए आपको वेट करना है। हमने जो नेक्स्ट कॉल दिए हैं यूपीएल,
इसको आप देखिए जो चार्ट है, आपको 15 मिनट के चार्ट में आप देख पा रहे हैं, जो पिछले दिन एक हाई बनाने के बाद इसने पूरा दिन इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया है, और इस रेंज को ब्रेक होगा तो फिर से आपको, तो मैं यहाँ पे इस रेंज को भी ब्रेक के लिए बात नहीं किया हूं, क्योंकि ये सुबह सुबह आपको रेंज ब्रेक हो सकता है। और जो यहाँ पे मेनली जो लेवल आपको हो जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ऑन आवर्स का चार्ट, ऑन आवर्स का चार्ट, और ये आप देख पा रहे हो ऑन आवर्स का चार्ट। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसके साथ कंटिन्यू इसके साथ अगर आप बने रहेंगे और इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको जा रहा है, तो देखिए जो ये जो क्लोजिंग है पिछले दिन का, ये ट्रेंड लाइन को ऊपर दे रहा है, और इसके साथ सेफली जो पॉइंट होगा उस सेफली पॉइंट 444, ये एक सेफली पॉइंट होगा कि इसके ऊपर आता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सेफली पॉइंट मैं दिया हूं, और इसे आप टारगेट, इसके बाद आपको ठीक ठाक टारगेट यहाँ पे मिलने का उम्मीद जताया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप वॉच रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज के लिए मैं ये तीन कॉल के ऊपर आपको मैं वॉच करा रहा हूँ। फिर आगे मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से वीडियो और डालने का, ताकि आपको इंटरडे में भी पहले से अलर्ट हो जाए इसके ऊपर। और जिन लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, सरकार ट्रेडर्स टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा, और इस कॉल के ऊपर मैं अपडेट मार्केट आवर्स में उस चैनल पे देता रहूंगा। तो दोस्त, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर छोड़ रखा हूँ। बेल आइकन दबाना भी आपके ऊपर है कि इस तरह का वीडियो आप पाना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ये है, अगर आपको ऑनलाइन क्लास के बारे में कोई बातचीत है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त, गुड नाइट।